आज लुधियाना शहर में उसी चक्का जामकर पर भिंडरे वाले का झंडा देखा गया। बात करेंगे वहाँ पे, अगर था तो गलत चीज है, नहीं लगाना चाहिए। यूपी में और उत्तराखंड में कुछ दंगे वगैरह हो सकते हैं, दिस वॉज इन मतलब के उनके माइंड में ये कहीं से इनपुट हुआ, और जैसे ही इनपुट हुआ प्रेस वाले आए तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। जो मुझे लगता है कि और लोगों से बात करके देते तो अच्छा था, जो बाद में हमारे साथ बात करके उन्होंने कुछ उसका फॉर्म चेंज किया है। साथ ही साथ उन तमाम इंटरनेशनल हस्तियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन का समर्थन किया है। इंटरनेट बंद है, नौजवान बच्चे पकड़े हुए हैं, 25 जो नौजवान है लापता है अभी तक, 127 के करीब किसानों के ऊपर FIR हुई है, वो जेल में हैं, मोहल्ले और गलियों को बैरिकेड्स लगा दिए हैं, बड़े बड़े कील लगाए जा रहे हैं, पानी और बिजली का भी दिक्कत बहुत बार आ जाता है। तो ये जो सरकार की तरफ से दमनकारी जो नीतियाँ हैं इसके विरोध में जो बजट आया था उसमें किसानों के पक्ष में कुछ नहीं था, उसके विरोध में, और तीसरा था हमारे जो डिमांड्स हैं उसके पक्ष में, तीन मुद्दों को लेकर ये आज चक्का जाम का कॉल दिया गया था जो पूरे हमारे देश में सफल रहा है। और इसके साथ ही हम साथ ही निंदा करते हैं जो कल तोमर साहब ने बयान दिया है, बल्कि एक तरफ तोमर साहब हमारे साथ बातचीत करते थे कि ये कानून तो एकदम ठीक करने वाले हैं और इसमें जो भी आप गलत लगते हैं इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं हम, बल्कि उन्होंने माना था, लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि ये कानून तो बहुत ही किसान के पक्ष में है, जो एकदम उन झूठ बोल रहे हैं। और तीसरा, हम साथ ही साथ उन तमाम इंटरनेशनल हस्तियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन का समर्थन किया। असल में टिकैत के उनको एक लगा, जो उनका व्यक्तिगत वैसे वो आया है, कि यूपी में और उत्तराखंड में कुछ दंगे वगैरह हो सकते हैं, दिस वॉज इन मतलब के उनके माइंड में ये कहीं से इनपुट हुआ, और जैसे ही इनपुट हुआ प्रेस वाले आए तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया। जो मुझे लगता है कि और लोगों से बात करके देते तो अच्छा था, जो बाद में हमारे साथ बात करके उन्होंने कुछ उसका फॉर्म चेंज किया है, बल्कि उसको अगर वो उनको लगता था कि कुछ ऐसा बात हो सकता है तो बढ़िया था, जो बात करने के बाद वो प्रोटेस्ट होंगे या ज्ञापन दिए जाएंगे अगर वो थोड़ा ज्वाइंटली हो जाता तो अच्छा था, लेकिन उनका फिर बाद में कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का ही ये ऐलान है और हम जैसे कि कुछ लोगों को मन में लगा शायद संयुक्त किसान मोर्चे में कुछ वो आ गया है, लेकिन ये बात नहीं है, वो एज इट इज है, वो थोड़ा इसमें थोड़ा सा तो मैं मानता हूँ कि एक जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना। आज लुधियाना शहर में उसी चक्का जामकर पर भिंडरे वाले का झंडा देखा गया। बात करेंगे वहाँ पे, अगर था तो गलत चीज है, नहीं लगाना चाहिए, जो चीज प्रतिबंधित है और वो नहीं लगानी चाहिए। लेकिन इससे आपको लगता नहीं है किसान आंदोलन को नुकसान पहुँचता है, धक्का पहुँचता है? किसी ने लगाया होगा तो गलत चीज है, नहीं लगानी चाहिए। अब क्या करेंगे, 11वीं दौर की बातचीत, हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं रहेंगे।